हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टैनफोर्ड एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम है हरीश शेट्टी, आपका ट्यूटर। हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डीटीपी। उसे हम ग्राफिक डिजाइन में भी बोलते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डीटीपी स्टैंड फॉर, तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर देखेंगे। डीटीपी स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब ये होता है कि आपको मैन्युअली या फिर आप कुछ डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, उसको आप मॉनिटर पे या फिर कई जगह पे आपको पब्लिश करना है, तो आप उसको क्या करोगे, डिजाइन करके पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। हम लोग इट ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन इज कम्युनिकेशन डिजाइन, इट्स वे ऑफ कन्वेइंग आइडियाज थ्रू विजुअल एंड डिजाइन। इसका मतलब ये है कि हम लोग इससे, जैसे कि मैंने बताया कि इसे हम ग्राफिक डिजाइन भी बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिससे हम लोग डिजाइन बना के किसी और को कन्विंस करने के लिए हम लोग अपना एक विजुअल बना के हम लोग दूसरों को दिखाएंगे ताकि वो कन्विंस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन का यूजेस क्या है? सबसे पहले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ब्रांडिंग। इसका मतलब यह है कि आपको किसी चीज का आइडेंटिटी कार्ड बनाना हो या फिर बिजनेस कार्ड बनाना है, फिर किसी कंपनी की ब्रांडिंग करनी हो, तो आप उसके अंदर एक अपने तरीके से क्या करोगे, डिजाइन बनाओगे। डिजाइन बनाने के बाद आप उसको उसके हैंडओवर कर सकते हो। सेकंड है प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी टाइप के बुक्स या फिर फ्लायर्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर के अगर कुछ लेआउट्स बनाने हैं, तो आप लोग क्या करोगे, प्रिंटेड मटेरियल ट्राई करोगे। ऑनलाइन आर्ट। ऑनलाइन आर्ट आजकल बहुत चल रहा है, जैसे कि अगर आप बैनर्स देखते हो कोई ऑनलाइन शॉप्स पे, तो आपको बैनर्स या फिर किसी ब्लॉग्स पे या फिर वेबसाइट पे वो सारी चीजें आपको डिजाइन बनाने के लिए ये डीटीपी आना जरूरी है, ठीक है गाइस। एल्बम कवर्स, आप लोग अभी बहुत सारे सॉन्ग सुनते हो, उसके अंदर आप एल्बम के कवर्स देखते हो, उसको डिजाइन करना भी डीटीपी का ही काम है। टी शर्ट्स एंड क्लोथिंग डिजाइन, अगर आपको टी शर्ट या फिर क्लोथिंग डिजाइन सीखना हो, तो आप बहुत सारे चीजें ट्राई कर सकते हो, डिजाइन वेराइटीज आप देख सकते हो। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप एक खुद के ब्रांडिंग या फिर खुद की एक डिजाइन शॉप करके आप क्या करोगे, टी शर्ट पे प्रिंट करोगे, उससे आप अपने बिजनेस को भी बढ़ावा दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन कंप्लीट द कोर्स बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन। विच एप्लीकेशन, हम लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज करके इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, वो है कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलास्ट्रेटर, देन पेज मेकर, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस। हम लोग कुछ इमेजेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, जस्ट लाइक फोटोग्राफ, अ पिक्चर मेड यूजिंग अ कैमरा। पिक्चर मेड यूजिंग अ कैमरे का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप अपने कैमरे को यूज करके कोई सीन को क्लिक कर लो या फिर किसी की फोटोग्राफ ले लो, तो उसका मतलब ये होगा पिक्चर मेड यूजिंग अ कैमरा। सेकेंड वन इलास्ट्रेशन, अ पिक्चर इलास्ट्रेटिंग अ बुक और न्यूज़पेपर। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक लेआउट बनाना है, एक इलास्ट्रेट करना है किसी भी बुक को या फिर न्यूज़पेपर को, तो उसके लिए आपको इलास्ट्रेशन की इमेज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यानी कि आप अपने पेंसिल, पेन या फिर क्रेयन के जरिए बिना पेंट यूज किए आप उसको ड्रॉइंग बोल सकते हो, उसे कहते हैं अलग इमेज का टाइप। ग्राफिक, इट्स रिलेटेड टू विजुअल आर्ट स्पेशली इन्वॉल्विंग ड्रॉइंग। इसके अंदर आपका ड्रॉइंग भी मिक्स होता है और आपका एक आर्टिस्टिक विजुअल भी आते हैं जो आपको अलग ग्राफिक व्यू देता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो आगे हम लोग देखते हैं कलर मोड्स। कलर मोड्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको किस टाइप के कलर यूज करने पड़ते हैं। किस टाइप के मतलब ये हो गया कि आपको इसमें कलर मोड्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कौन से होते हैं, RGB एंड CMYK। फर्स्ट हम लोग RGB देख लेते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। RGB का फुल फॉर्म बाजू में दिया है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB इज द कलर स्पेस फॉर डिजिटल इमेजेस। ये एक कलर स्पेस है जो डिजिटल इमेज के काम आता है, जैसे कि यूज द RGB कलर if your design is supposed to be displayed on any kind of screen। आपको अगर किसी भी टाइप के स्क्रीन पर आपके डिजाइन को दिखाना है, तो आप RGB के कलर मोड को इस्तेमाल कर सकते हो।
स्क्रीन कोई भी टाइप की हो सकती है, जैसे कि आपका फोन स्क्रीन हो गया, या फिर आपके मॉनिटर स्क्रीन्स हो गए, या फिर अलग अलग टाइप्स के फोन्स हो सकते हैं। अ लाइट सोर्स विद इन अ डिवाइस क्रिएट्स एनी कलर यू नीड बाय मिक्सिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड वेरिंग देयर इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है गाइस कि लाइट सोर्सिंग का मतलब ये होगा कि आपको कुछ भी कलर आपको यूज करना है तो आपको थोड़ा सा उसका कम करना हो, मतलब अगर रेड ज्यादा दिख रहा है तो आपको रेड कम करना है, या फिर कुछ कलर दूसरे यूज करके आप उसको मिक्स कर सकते हो ताकि आप दूसरे कलर को बना सको, मिक्सिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो उस तीनों कलर को यूज करके आप अलग वेरायटी बना सकते हो, उसी को उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग उसके इमेजेस देख लेते हैं इसके, कुछ यहाँ देख सकते हो आर जी एंड डी। आर के साथ अगर ग्रीन मिक्स होता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा कलर मिक्स हो रहा है, येलो। उसी के साथ में आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के इमेजेस मतलब कलर्स यहाँ पे क्या होते हैं, मिक्स होके अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं CMYK के कलर्स के पास। तो CMYK का फुल फॉर्म होता है सियान, मजेंडा, येलो एंड की और ब्लैक बोल सकते हो आप इसे। CMYK इज द कलर स्पेस फॉर प्रिंटेड मटेरियल्स। इससे पहले हम लोग प्रिंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, जी गाइस वही बोल रहा हूँ कि आपको प्रिंटिंग करने के लिए CMYK कलर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अ प्रिंटिंग मशीन क्रिएट्स इमेजेस बाय कंबाइनिंग CMYK कलर्स टू वेराइंग डिग्रीज विथ फिजिकल इंक। क्योंकि गाइस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि CMYK कलर्स जो होते हैं सिर्फ मशीन अवेलेबल होते हैं, मशीन के पास जो प्रिंटर्स जो मशीन होते हैं उसके पास CMYK कलर्स ही होते हैं, जिसको फिजिकल इंक के जरिए आपका प्रिंट होता है ताकि आप अपने डिजाइन को आउटपुट ले सको। ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे देखते हैं, ये रहा कुछ इमेजेस उसके बारे में, CMYK कलर्स के बारे में यहाँ पे दिया है। तो आप सी में देख सकते हो, एम में देख सकते हो एंड वाई, बीच में जो के है यानी कि तीनों कलर्स मिला के एक कलर बनता है जो है ब्लैक का। ठीक है गाइस, आप मिक्स करते रहेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते रहेंगे सारी चीजें। हाँ, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ शेप्स। अभी टाइप्स ऑफ शेप्स बोलने के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि शेप्स के टाइप्स होते हैं तो किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक शेप्स विथ अ नेचुरल लुक एंड फ्लोइंग एंड कर्विंग अपीयरेंस। ऑर्गेनिक शेप्स आर एसोसिएटेड विथ थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये हो गया गाइस कि आपको अगर ये ऑर्गेनिक शेप्स आपको खुद से कुछ बनाना हो, इसका मतलब आपको इसमें थोड़ी सी रियलिटी दिखानी होगी, जस्ट लाइक इसमें देख सकते हो इमेज में ऑर्गेनिक शेप्स, आप देख सकते हो इसमें थोड़ा बहुत रियल लुक दिखा रहा है, जैसे कि आपको कुछ मिक्स हो गया हो या फिर कुछ कलर एडिंग हो गई हो। ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्गेनिक शेप्स तो समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, तो ज्योमेट्रिक प्लेन शेप्स आर सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रेपजॉइड। ये सारे इमेजेस होते हैं, जस्ट लाइक आप इमेज में देख सकते हो, ये रहा आपका रेक्टेंगल, देन यहाँ पे सर्कल है, ट्राइंगल है और यहाँ पे स्क्वायर है। तो इस टाइप के अलग अलग शेप्स होते हैं। इट इज जनरली अ बॉर्डर टर्म्स टू मल्टीपल शेप्स लाइक द स्क्वायर, ट्राइंगल एज वेल एज ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इस टाइप के होते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स जो हम लोग मोस्टली मैथ्स में, मैथमेटिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स आर हैविली यूज्ड इन ग्राफिक डिजाइन बिकॉज दे आर होल्डिंग मीनिंग। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दो, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि शेपलेस। शेपलेस का मतलब ये होता है कि आपको बिना किसी शेप के यहाँ पे आपको एक डिजाइन प्रोड्यूस होकर मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग मीनिंग निकल के आ जाती है। जैसे आप रेस्टोरेंट में इमेज में देख सकते हो कि आपका कुछ बिना किसी शेप्स के थ्रू आपका एक अलग से डिजाइन बन के दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स आर हैविली यूज्ड इन लोगोस। आप लोगों ने लोगोस देखे रहोगे जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वेराइटीज या फिर बहुत सारे लोगोस रहते हैं जिसके अंदर परफेक्ट शेप्स तो नहीं होते बट वो दिखते अच्छे। ठीक है, तो वो उसी के जरिए यानी कि एब्स्ट्रैक्ट शेप्स के जरिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ वेक्टर और रास्टर के बारे में। हम लोग देख सकते हैं
डिजिटली ग्राफिक फाइल्स जनरली फॉल इन टू वन ऑफ टू कैटेगरीज, वेक्टर और रास्टर, विच इज वेक्टर ग्राफिक. तो वेक्टर ग्राफिक के बारे में फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग. सच एज लोगो फाइल्स, यूजर इंटरफेस, पाथ मेड अप ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस टू क्रिएट एन इमेज. इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेक्टर इमेज बनाना हो, मीन्स वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट करना हो, तो आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी होगी कि ये क्रिएट कैसे होता है. तो क्रिएट करने के लिए आपको बहुत से बहुत लाइंस की और पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है. अगर आप वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट पे आप जाओगे तो उसमें एक लाइन क्रिएट होगा, तो उस लाइन को यूज करके आपको एक अलग से शेप बनाना हो या फिर कुछ क्रिएट करना हो, डिजाइन बनाना हो, तो सारी चीजें आप क्या करोगे, वेक्टर ग्राफिक में आप इस्तेमाल करोगे. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं लो रास्टर ग्राफिक. सर रास्टर ग्राफिक सच एज डिजिटल फोटोग्राफ आर क्रिएटेड यूजिंग अ ग्रिड ऑफ टाइनी पिक्सल. अब वो टाइनी पिक्सल क्या होता है, बहुत सारे फोटोज हम लोग क्लिक करते हैं, जूम इन करने के बाद हम लोग को जो उसकी लिमिट एक्सटेंड हो जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर एक बॉक्सेस दिखते हैं जिसको हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं. तो उस पिक्सल्स को हम लोग रास्टर में हम लोग उसको नाम ले लेते हैं. ठीक है. सो हम लोग आगे के बारे में देखते हैं. ये रहा आपका कुछ एग्जाम्पल. आप देख सकते हो राइट साइड में जो वेक्टर है इसके अंदर एकदम स्ट्रेट लाइन जो है एकदम परफेक्टली दिख रहा है आपको. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एंकर फर्स्ट है, यहाँ पे एंकर पॉइंट लास्ट है. तो ये आप जूम करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है, इसमें एकदम स्ट्रेट लाइन आपको एकदम क्लियर लुक दे रहा है. उसी एंड पे आप यहाँ पे देख सकते हो रास्टर एंड बिटमैप भी बोल सकते हो आप इसे. तो यहाँ से आपका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड यहाँ पे तो है. जूम करने के बाद आप यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आप देख सकते हो, इसी ही कहते हैं हम लोग पिक्सल्स. ठीक है. सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. तो बात करते हैं पिक्सल रिजोल्यूशन एंड साइज यूनिट. तो पिक्सल रिजोल्यूशन होता क्या है? द टर्म रिजोल्यूशन रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ पिक्सल इन एंड डिजिटल इमेज. इसका मतलब ये है कि गाइस अगर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कैमरे जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो फोटो क्लिक करते हैं तो उसकी कुछ मेगा पिक्सल काउंटेड होते हैं. उसी टाइप में जब आप फोटो क्लिक करते हो तो उसी के अंदर नंबर ऑफ काउंटेड पिक्सल्स उसके अंदर ऑलरेडी सेट रहता है. ठीक है. तो उसकी रिजोल्यूशन उसी पे डिपेंड करती है जिस टाइप की वो इमेज होगी, जिस साइज की इमेज होगी. ठीक है. तो साइज यूनिट के बारे में भी कुछ देख लेते हैं. द डिफॉल्ट यूनिट मेजर्स ऑफ फॉर कोरोड्रॉ इज इंचेस. यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो डिफॉल्ट मेजरमेंट होता है वो कोरोड्रॉ का इंचेस में होता है. हाउएवर देयर आर मोर देन डजन यूनिट्स ऑफ मेजर्स फ्रॉम विच यू कैन चूज सच एज मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल एंड माइल्स. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप उसके अलावा भी डजन्स ऑफ यूनिट आप यूज कर सकते हो, मेजरमेंट के यूनिट यूज कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो मिलीमीटर्स है, पॉइंट्स है, पिक्सल्स है एंड माइल्स है. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. यू कैन चेंज द यूनिट ऑफ मेजर फॉर द करेंट डॉक्यूमेंट और सेट अ न्यू डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर फॉर ऑल फ्यूचर डॉक्यूमेंट. इसका मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आप इसमें से ही कोई एक यूज करो, आपका जो फ्यूचर डॉक्यूमेंट आपका प्रोजेक्ट होगा आप उसमें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो. सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अबाउट कोरलड्रॉ. तो कोरलड्रॉ के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है कोरलड्रॉ. कोरलड्रॉ इज अ वेक्टर ग्राफिक एडिटर डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय कोरल कॉर्पोरेशन. कोरलड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक डिजाइन एडिटर है जो कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप और मार्केट किया गया है. ठीक है. इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ द कोरल ग्राफिक सूट विच इंक्लूड्स द बिटमैप, इमेज एडिटर, कोरल फोटो पेंट एज वेल एज द अदर ग्राफिक रिलेटेड प्रोग्राम्स. तो यहाँ पे सिर्फ कोरल ड्रॉ के ग्राफिक सूट का ही नाम नहीं है, उसके अंदर और भी इमेज एडिटर है जैसे कि फोटो पेंट हो गया या फिर ग्राफिक रिलेटेड कोई और प्रोग्राम्स हो गए, तो सारे उसके अंदर प्रोग्राम्स आपके मिल जाते हैं. तो ये आपका देख सकते हो बाजू में, ये आपका इमेज यानी कि कोरलड्रॉ का एक प्रोडक्ट है जिसको आप यूज करोगे अपने ग्राफिक क्रिएट करने के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इंटरफेस देख लेते हैं कुछ कोरलड्रॉ का. हाँ,
तो ये रहा आपका कुछ इंटरफेस, कुछ इस तरीके का होगा आपके कोरेलड्रो का। आप लोग देख सकते हैं टॉप साइड पे जो है ये कुछ टाइटल बार है, जिसके अंदर आप अपने जो आप फाइल को सेव करोगे उसका नाम क्या देना है अपने हिसाब से आप ये दोगे, तो उसी टाइप में आप उसका नाम भी आ जाएगा, उसका वर्जन क्या है वो भी दिखाया जाएगा। देन नेक्स्ट है उसके जस्ट नीचे प्रॉपर्टी बार का मतलब ये होगा कि आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो उसके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे मौजूद होगी, जिससे कि आप देख सकते हो न्यू फाइल ओपन करना हो या फिर कुछ सेव करना हो, जूम इन जूम आउट करना होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मौजूद रहेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट फाइल मेन्यू देख लेते हैं। फाइल मेन्यू है तो फाइल मेन्यू आपके अंदर आपके पास आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एडिट मेन्यू बार है, फाइल मेन्यू बार है, व्यू है, लेआउट चेंज करना हो तो आप लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ अरेंजमेंट करना हो तो आप अरेंज का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ एडिशनल इफेक्ट्स ऐड करने हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। बिटमैप अभी हम लोग देखे थे पिछली बार की बिटमैप इमेज के बारे में, तो वो सारी इमेज की एडिटिंग भी करना हो तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पे फाइल मेन्यू बार के अंदर आपको मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल बार हम लोग देख चुके हैं, स्टैंडर्ड बार के बारे में देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड बार होता क्या है। तो स्टैंडर्ड बार तो ऑलरेडी मैंने कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे ये सारे देख चुके हैं। प्रॉपर्टी बार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी बार के बारे में हम लोग जो भी टूल्स इस्तेमाल करेंगे उसी के रिलेटेड हम लोग के प्रॉपर्टीज में शो करेंगे, जैसे कि अगर आप कोई टूल इस्तेमाल करो तो उसी के प्रॉपर्टीज वहां दिखाएगा, जैसे अगर आप कोई कलर का इस्तेमाल करो तो कलर के प्रॉपर्टीज वहां दिखाएगा। तो अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये है रूलर, कुछ ये वाला, ठीक है। तो ये रूलर आपको हेल्प करेगा कि आपका शेप कितने साइज का है या फिर कौन से मेजरमेंट्स आप इस्तेमाल करो उस अकॉर्डिंग। देन ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो उसको कहते हैं टूल बार। टूल बार यहाँ पे हम लोग के सारे टूल्स यहाँ पे मौजूद है, जो भी आपको इस्तेमाल करना आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस बार है, जो भी आप अपना काम कर रहे हो यहाँ पे सारे स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा, कलर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, किस टाइप का कलर है, आरजीबी मोड में या फिर सीएम लाइक है, वो सारी चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेटस बार रखता है। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कलर पैलेट। कलर पैलेट हम लोग देखेंगे कि किस अलग अलग कलर्स इसके अंदर मौजूद है। तो एक कलर पैलेट अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे आपके शेप्स के अंदर कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका है मेन फाइल, हम लोग इसे वर्किंग एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पे आप आपका पूरा काम करोगे, ठीक है गाइस। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं कोरल ड्रॉ के। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। तो अभी इसे स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे आपके स्टार्ट बटन होंगे, स्टार्ट बटन पे आप जाओगे, यहाँ पे अगर आपको दिखता है आपने यूज किया होगा रिसेंट फाइल में तो आपको यहाँ पे यूज में आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट इसका पूरा फोल्डर होगा, जो भी यूज करना होगा आप इसमें क्लिक करो। देन आपके पास यहाँ पे कोरल ड्रॉ X6 क्या है आपका वर्जन होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्लिक कर देंगे तो आपका सेम इंटरफेस आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड बार्स में। और जैसे हम लोग न्यू फाइल यूज करेंगे तो कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस करोगे तो भी आप क्या करोगे आपका एक शॉर्टकट की मिल जाएगा, और अगर आप फाइल पे जाओगे तो भी सेम काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स पूछा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम क्या देना है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट का फाइल नाम कुछ भी दे सकते हो, जस्ट लाइक मैं दे रहा हूं प्रोजेक्ट वन, और प्रेजेंट डेस्टिनेशन हम लोग एज इट इज रखेंगे कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट, और आपको आपके फाइल साइज कौन सी चाहिए, जस्ट लाइक लेटर या फिर और भी अलग अलग साइज आप देख सकते हो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोग लेटर को एज इट इज रखते हैं, और लेटर की साइज क्या है, विथ यहाँ पे दिखा रहा है 8.5 क्या है इंचेस में, तो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो वही मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। देन हाइट, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी यानी लंबाई कितनी होगी यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक 11.0 इंचेस, ठीक है। उसके जस्ट राइट साइड में आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये किसका ओरिएंटेशन है कि आपको आपका पेज किस टाइप में चाहिए, किस ओरिएंटेशन में चाहिए, ठीक है।
तो आपको अगर लैंडस्केप में रखना हो तो आप लैंडस्केप में रख सकते हो, या फिर आपको पोर्ट्रेट रखना हो तो हम लोग पोर्ट्रेट में यूज करेंगे। सो स्टार्ट नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस का मतलब ये हो गया कि आपको स्टार्ट करते वक्त कितने पेजेस की जरूरत है। अगर आपको पहले से पता है कि हमें इतने पेजेस की जरूरत है या फिर 10 पेजेस 20 पेजेस, तो हम यहाँ पे नंबर वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम लोग के वहां पे 20 पेजेस ऐड हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को अभी इतनी कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपल 1 से ही काम चलाते हैं। अभी कलर प्राइमरी मोड के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग CMYK के या फिर RGB दोनों में से किसी इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। हम लोग RGB लेते हैं क्योंकि हम लोग क्या करना है, मॉनिटर यूज के लिए यूज करना है। तो रिजोल्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं, रेंडरिंग रिजोल्यूशन 300 यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया। 300 वैल्यू पुट का मतलब ये हो गया कि डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म है DPI का। या अगर आपको हाई रखना हो या फिर 600 या फिर 500 जिससे आपको रखना हो, अपने मैन्युअली टाइप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके इमेज की क्वालिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। प्रीव्यू मोड को हम लोग एनहांस पे रख सकते हैं, इस बाकी के जो टाइप्स है हम लोग अलग अलग हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखते रहेंगे। जैसे हम लोग ओके कर लेते हैं, ओके करने के बाद देख सकते हो कि आपके पास सारे मौजूद है। जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो हम लोग बात किए थे टूल बार्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड बार्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, फाइल मेन्यू बार, ये सारी चीजें मेन्यू बार्स है। यहाँ पे आपका टाइटल है, देन यहाँ पे आपके पास स्टेटस बार, राइट साइड में आपके पास कलर पैलेट्स है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट आज बना लेते हैं, जैसे लाइक आज हम लोग कुछ चेस बोर्ड बना लेते हैं, आज फर्स्ट सेशन है। तो चेस बोर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग अपने टूल बार में फर्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लाइक यहाँ पे इसका नाम है पिक टूल। पिक का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करना, यानी कि उसके जगह से उठा लेना। तो यानी कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो अगर मुझे इसकी पोजिशन चेंज करनी, जैसे लाइक अगर मुझे इसको कहीं और पे शिफ्ट करना हो, तो हम लोग पिक टूल इस्तेमाल किए, इसको मूव करके दूसरी जगह पे रख दिए। तो इसका काम ही पिक करके दूसरी जगह पे रखना ही काम आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिलहाल डिलीट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे अपने रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, फंक्शन की 6, तो आपका रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल में आ जाएगा। तो जैसे अगर आपको फ्री हैंडली अगर आपको कुछ शेप बनाना हो, तो आप यहाँ से फ्री हैंडली आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपको सेम मतलब यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में आपको बनाना होगा आपको, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे माउस क्लिक के साथ और ड्रैग करोगे, उसके साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप यहाँ पे इसकी हाइट एंड वेट या आप दोनों मैच कर सकते हो। अगर दोनों परफेक्ट है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग इसी के इस्तेमाल से अपने बाकी के ऑब्जेक्ट को भी बना सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, अभी बनाना है चेस बोर्ड। तो चेस बोर्ड के साइज कुछ सबकी अलग अलग होती होगी, बट हम लोग क्या करेंगे, इसी साइज में क्रिएट करेंगे। तो हम लोग को चेस बोर्ड पे बहुत सारे स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। कीबोर्ड पे प्लस प्रेस करोगे, प्लस का जो बटन होता है आपके पास वो प्रेस करोगे, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट करने के बाद आपको उसको मूव करना राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, तो आपके डायरेक्शन कीज होते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जस्ट लाइक इस टाइप में, तो इसी तरह आपको मूव करते रहना है, जैसे भी आपका जैसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। पोजिशन पे है या नहीं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगल लाइन आ रही है। अगर आपका स्क्रोल बार होगा आप उसको स्क्रोल बार से जूम करके देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप जेड प्रेस करो कीबोर्ड का और उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो कुछ इस तरह। ये सिंगल लाइन आ रही है, इसका मतलब हम लोग का एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जूम आउट कर लेते हैं अपना। तो ये हो गया हम लोग के पास दो स्क्वायर्स। तो इसी टाइप पे हम लोग को बहुत सारे स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसको कलर फिल करने के बाद दिखेगा कैसे। तो फिर हम लोग को कलर फिल करना है किस कलर का, ब्लैक कलर, क्योंकि कलर बोर्ड चेस बोर्ड का प्राइमरी कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो ये पे हम लोग प्रेस कर लिए ब्लैक पे, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक माउस का हम लोग क्लिक किए कलर पे, तो उसने क्या किया यहाँ पे कलर फिल कर दिया। बट अगर हम लोगों को क्या करना है, आउटलाइन का कलर चेंज करना है, कुछ और चीजें करनी हो, तो आप क्या करोगे, किसी भी कलर पे आप क्या करोगे, माउस का राइट क्लिक कर लोगे, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, देन उसके बाद
कलर के पास राइट क्लिक कर लो तो उसका आपका देख सकते हो कलर चेंज हो जाएगा। बट अभी इतनी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल एज इट इज रखेंगे ब्लैक कलर में, ठीक है। सो अभी चेस बोर्ड में देख सकते हो कि ब्लैक के बाद व्हाइट आता है, तो हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर फिल कर देंगे। करें या नहीं करें तो वो बात अलग है, लेकिन फिल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं मूव करते हो तो देख सकते हो आपके पास बैक का भी मूव बैक का भी आपका ऑब्जेक्ट दिखा देगा। तो अगर हम लोग को उससे बचना है तो हम लोग क्या करेंगे व्हाइट कलर उसमें फिल कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आप उसको अगर मूव करोगे तो उसके साथ में आप देख सकते हो बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हो गया हम लोग ने प्लस किए फिर उसके बाद मूव किया राइट साइड में। तो अगर हम लोग कुछ अलग तरीके से भी इसको ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि अभी सबको सिलेक्ट कर लिया फिर प्लस किया, प्लस करके सेम इसको मूव कर लेते हैं। तो ये तो बहुत टाइम लग रहा है हम लोगों को, तो हम लोग शॉर्टकट तरीका भी इस्तेमाल करते रहेंगे, आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें देखना बाकी है अभी, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। इसी को हम लोग वापस से प्लस कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग को कुछ अगर अलग अलग इस्तेमाल करना हो, जैसे कि सिलेक्शन कुछ कम या फिर ज्यादा करना हो, या फिर अभी मुझे यहाँ पे कितने शेप्स की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना हो, तो आप क्या करोगे उसी टाइप में सिलेक्शन करो, देन उसको प्लस करो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप साइड में ले सकते हो। और याद रहे प्लस बटन दबाना ना भूले, नहीं तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज्यादा बाहर जा रहा है, तो हमने इसको कॉर्नर से सारे सिलेक्शन कर लेना ताकि साथ में ही सबके साइज परफेक्ट हो जाए कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब इसके भी एज इट इज हम लोग कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए क्या करोगे सेम प्लस देन ड्रैग डाउन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस कर लिए और उसको नीचे मूव कर लिए, कुछ इस तरह। अब यहां पे चेस बोर्ड तो लग नहीं रहा है, तो हमने उसके कलर को स्विच कर लेते हैं, जो ब्लैक है उसको व्हाइट करके और जो व्हाइट है उसको ब्लैक करके, कुछ ऐसे। लेफ्ट क्लिक करना है अपने माउस का, यहां पे आप मल्टीपल सिलेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर एक एक करना बहुत टाइम लग रहा हो तो आप मल्टीपल सिलेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो आपको शिफ्ट के साथ में माउस क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे इसके साथ में शिफ्ट प्रेस करके हम लोग क्या करेंगे इस पे क्लिक कर देंगे, तो वो सिलेक्शन दोनों हो जाएंगे, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसी टाइप में हम लोग क्या करना है अपने सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसका डुप्लीकेट करके यूज करते रहना है, ठीक है गाइस। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेम हम लोग इसको भी प्लस करके ड्रैग डाउन करते हैं, माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग उसको बाद में यूज करेंगे, और अभी फिलहाल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कीबोर्ड का। एक और छोटी चीज बता देता हूं, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो कि बहुत स्लो नीचे आ रहा है, अगर आपको इसका पॉइंट्स बढ़ाना हो तो आप उसका भी इस्तेमाल करना है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे सिलेक्शन हटा लीजिए अपने माउस से, देन यहाँ पे जो आप ये पॉइंटर देख रहे हो ये पॉइंटर से हम अपने नज डिस्टेंस सेट द डिस्टेंस फॉर नजिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा के करना होगा, जस्ट लाइक आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 0.01 है,
इसको मैं कर देता हूँ 0.02। तो पहले के मुकाबले ये कुछ ज्यादा डिस्टेंसिंग में यानी कि स्पीड में काम करेगा। जैसे आप देख सकते हो प्लस किया मैंने इसे और देख सकते हो ये थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में काम करने लगा। तो बस उसके डिस्टेंस की वैल्यू डबल हो गई, पहले 0.01 थी उसके बाद 0.02। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के हम लोग ने बना लिया अपना चेस बोर्ड कुछ ऐसे। अभी ऑब्जेक्ट तो हम लोग ने बना लिए, अब यहाँ पे कलर कौन सा हम लोग ने इस्तेमाल किया सारी जानकारी हम लोग के स्टेटस बार में रहती है। किसी भी ऑब्जेक्ट आप क्लिक करो तो उसमें कलर फिल है या नहीं है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर में CMY के कलर मोड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, व्हाइट कलर यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा आपको। और यहाँ पे RGB कलर फॉर आउटलाइन यानी कि आउटलाइन के लिए RGB का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।